जिनका वर्चस्व था, जैसे बिना ट्रायल के चले जाना, बिना जो है मनमानी, किसको आप कह सकते हो, अनुशासन में न रहना, उन्होंने किया। लेकिन ये सारा खेल जो है भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और कुछ उद्योगपति मिलकर के इस षड्यंत्र को किए कि करण भूषण सिंह ना बनने पाए और हम बन जाए। चुनाव हुआ, इस विपत्ति काल में भी चुनाव हुआ, 43 वोट हमारे प्रत्याशी को मिले और 4 वोट, 3 वोट, 7 वोट उनके प्रत्याशी को मिले। जो आपने खेला की बात की थी, कुछ अभी खेला बाकी है, ये तो शब्द है, निकल जाते हैं। राजनीति से आपने अभी संन्यास नहीं लिया? नहीं, ये शब्द है, अब संन्यास हो ही चुका है। लेकिन ये थोड़े है कि हम कर्म करना बंद कर देंगे। हम कर्म करना बंद नहीं करेंगे, राजनीतिक आदमी है और हम कभी सो नहीं सकते, दिन में हम बैठ सकते नहीं है, तो अब जो खेला भगवान ने लिखा होगा वही खेला होगा, क्या करें। कुछ राजनीतिक पार्टियां तो लोकसभा कैसरगंज में वो जातिवाद फैला रही हैं वहां पर, ये कोई नई चीज नहीं है। सोशल मीडिया पे ये कोई नई चीज नहीं है। जिसके पास कुछ नहीं बचता है वो यही हथकंडा अपनाता है। ये सब मैं बहुत पहले झेल चुका हूँ। नेताजी, आपने कैसरगंज के लिए एक बड़ी जीत का दावा किया है, आखिर क्या है वो मास्टर प्लान, कैसे आप दावा कर रहे हैं कि बड़ी जीत? देखिए, 2,87,000 से पिछला चुनाव भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीती थी, लेकिन इस बार का जो माहौल है वो बता रहा है कि इस बार बड़ी जीत होने वाली है। यहाँ यहाँ देखा गया है कि जैसे जो आपने कहा था कि जो मुद्दा है वो भी भूषण सिंह है, यहाँ पर देखा जा रहा है कि सारे जाति धर्म से उठ के सारे लोग आपको वोट। देखिए, हमारे देश का ये स्वभाव है या मानव का ये स्वभाव है कि जब किसी के साथ जब ज्यादा अत्याचार होता है, दुर्व्यवहार होता है, तो पब्लिक सपोर्ट में खड़ी हो जाती है। हमारे देश का ये नेचर है। एक तो देश के सवाल पर एक साथ खड़ी हो जाती है, दूसरा किसी के साथ जब अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तो जनता साथ खड़ी हो जाती है। लगभग 1.25 साल से, 1 साल 5 महीने हो गए, जिस प्रकार से हमको गाली देने का काम यहाँ से दूर बैठ करके कुछ लोग कर रहे हैं, उसको लेकर के भी हमारे क्षेत्र में बहुत आक्रोश है। और इसी नाते इस बार सारे जात के, मजहब के सब बंधन टूट चुके हैं। सब के अंदर बस एक ही बात है कि भारी मतों से ब्रजभूषण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को जिताओ, यही एक इशू यहाँ पर चल रहा है। आप षड्यंत्र की बात कर रहे थे कि जब जब आपके साथ षड्यंत्र हुआ है आपने बड़ा मुकाम हासिल किया है, और इस बार फिर आप कह रहे हैं कि आपके साथ षड्यंत्र हुआ है रेसलिंग को लेकर। देखिए, 1996 में एक बार हमारे साथ षड्यंत्र हुआ था और कांग्रेस पार्टी के ही द्वारा हुआ था। उस समय भी नरसिंहा राव की सरकार थी, कल्पनाथ राय को जेल भेजना था, साथ में मुझको भेज दिया। उस समय हमारी पत्नी लड़ी थी उस, और वो चुनाव जीती। तो मैंने ये लिया कि ये षड्यंत्र मेरे लिए शायद इसलिए हुआ कि मेरी पत्नी को सांसद बनना था, हमको नहीं बनना था। और उसके बाद एक बड़ा षड्यंत्र आकर के फिर ये हुआ, और फिर ये कांग्रेस के द्वारा ही हुआ। अब बताइए, झूठी घटना में प्रियंका जी पहुंच गई, गहलोत पहुंच गए, ममता पहुंच गई, केजरीवाल पहुंच गए, और अब उसका परिणाम ये आया कि मैं तो नहीं हो पा रहा हूं लेकिन मेरा बेटा बन रहा है। तो ये भी प्रकृति का नियम है, मेरे बेटे को 33 साल की उम्र में मैं सांसद बना था, 33 साल की उम्र में वो सांसद बन रहा है। और उस बार भी गुस्सा था, इस बार भी गुस्सा है, इस बार और ज्यादा गुस्सा है। अच्छा, आप षड्यंत्र की बात करें नेताजी, आपने कहा था कि कुछ ऐसे रेसलर हैं जो गरीब परिवार से आते हैं, आपने उनका समर्थन, उनका सपोर्ट किया था, जिसको लेकर आपको लगता है कि क्या आपके खिलाफ जो इस तरीके से साजिश की गई?
देखिए ये बातें बहुत बार मीडिया में आ चुकी हैं, जैसे ट्रायल को लेकर के हमने नियम बनाए थे, कैंप को लेकर के हमने नियम बनाए थे, एक ही खिलाड़ी एक राज्य से लड़ेगा ये नियम बना था। तो जो कुश्ती को लेकर के सुधार किए थे, तो जो एक लाबी है और आप कह सकते हैं एक परिवार एक अखाड़ा, और जिसके संरक्षक हैं भूपेंद्र हुड्डा, उनके सुपुत्र दीपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा को मैंने चुनाव हराया था, उन्हीं को चुनाव हरा करके मैंने कुश्ती संघ का अध्यक्ष का पद प्राप्त किया था। तो वो लाबी मेरे विरोध में आ गई और मिल करके कुछ उद्योगपति भी शामिल हुए इसमें, जो खेल में रुचि रखते हैं शामिल हुए और मिल करके एक षड्यंत्र किया। आप सभी जानते हैं षड्यंत्र की शुरुआत हुई थी तो पद से हटाने को लेकर के हुई थी, बाद में वो यौन उत्पीड़न में तब्दील हो गया। मीडिया ने पूछा तो 4 महीना तक कोई नाम नहीं बताए, 4 महीना के बाद एक लिस्ट लेकर के आ गई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर FIR हुई, 4 सीट लगी, 4 लग चुका है, अब आगे देखेंगे क्या करना है। आपका तो तीसरा अटेम्प्ट पूरा हो रहा था, तो इसके बाद फिर आपके खिलाफ साजिश होने की वजह क्या थी? वजह ये थी कि सबको मालूम था कि कुश्ती संघ में जो पूरे देश के लोग हैं वो हमसे जुड़े हैं, और सबकी इच्छा थी कि करण भूषण सिंह को, सबकी इच्छा थी कि करण भूषण सिंह को ही अध्यक्ष बनाया जाए, जिससे नेताजी कुश्ती से जुड़े रहें। तो करण भूषण सिंह को रोकना था और वो चाहते थे कि वो पद उनको मिल जाए, अब उनके साथ में देश का कोई है ही नहीं है।